के साथ साथ सीरियल झनक के कलाकार सचिन वर्मा और काजल पिसाल भी राम मंदिर के इस भव्य अवसर के लिए अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। सी लाइक एवरी इंडियन, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड घर पर भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही है। कुछ मीठा बनेगा, दिए लगेंगे, इट्स लाइक यू नो इट्स काइंड ऑफ अ दिवाली काइंड ऑफ अ थिंग ओनली। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड हाँ, उस दिन थोड़ा ट्रीट भी होगा, डाइट को चीट करेंगे हम, ये उस दिन थोड़ा मीठा खा पाएंगे, ये बोलना चाह रही है। yes. बाकी ये है कि ये इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे बिकॉज इतने डिवोटीज जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई एम श्योर 22 जनवरी एक लैंडमार्क डेट हो जाएगी उनके लिए, और ना ही सिर्फ एक रिलीजन के लिए बाकी सभी रिलीजन्स के लिए भी ये सेलिब्रेशन है। हर कम्युनिटी इसको इवेंट की तरह सेलिब्रेट कर रही है और आने वाले हर साल मुझे लगता है कि इस दिन को याद किया जाएगा, ऐतिहासिक दिन। सो सिंस वी हैड हमारी जब से हम बचपन से लेकर अभी तक जब हम बड़े हुए हैं, हमें जितनी भी टीचिंग्स मिली हैं रामायण से राम भगवान को लेकर, वो सब उसका जो कहते हैं कि उसका जो एक्सपेंशन है वो होने जा रहा है कि इवन द वर्ल्ड विल सी दिस दैट देयर वाज अ लॉर्ड राम इन दिस कंट्री एंड उनका जो जो बर्थ प्लेस है वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है। सो इट्स अ बिग डे फॉर एवरीवन। आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है भारतीय भारत के बारे में, पूरा पूरा वर्ल्ड जो है हाँ, मतलब ऑलरेडी वी आर देयर ऑन द मैप, मतलब नॉट ओनली फॉर एनीथिंग एल्स बट हर चीज़ ही जो है इंडिया की, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे योगा है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे इसरो है, चाहे इन्वेंशंस हैं, चाहे बिजनेस हाउसेज हैं, सब के सब जो टॉप 5 हैं हर कैटेगरी में। इवन हमारे जो शाहरुख खान साहब हैं वो भी एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट है। सो आप कोई भी कैटेगरी उठा लीजिए वर्ल्ड में, एवरीवेयर वी आर, सो वी आर देयर। एंड जहाँ पर नहीं है हम, वहाँ पर भी अभी हमारा इंप्रेशन आना शुरू हो गया है, बीट स्पोर्ट्स, बीट ओलंपिक्स, यू नो पीपल आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ भी प्रचार करने की जरूरत है। हम जो कर रहे हैं हम वैसे ही करते रहे पूरी लगन से, तो बात अपने आप पहुँच जाएगी उन तक। जी, हमने लॉकडाउन में देखा ही था जो रीरन हुआ था रामायण का, तो ऑब्वियसली बहुत सारी मेमोरीज का एक फ्लैशबैक था एंड इट इज़ गुड टू सी कि वापस हम वो सारे मोमेंट्स को रीलिव कर रहे हैं। एंड अभी जैसे मंडे को स्थापना होने वाली है, सो इट इज़ रियली वेरी प्राउड फीलिंग एंड बहुत ज़्यादा यू नो व्हाट यू से काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस, काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, एक फेस्टिव मोड जैसा अपने आप में ही बन गया है। Yes, I think Ram is not only considered as a god or as a righteous king. Man. Yeah, he Ram comes. It's a very small word, but it comes with a lot of teachings and a lot of learnings, a lot of sacrifices. You know, being a king, he has to give up on his life partner, and being a son, he has to obey his father. So the teachings are more important than just the figure. So I think अगर हम teachings पे ज़्यादा ध्यान दें और बजाय कि हम सिर्फ किसी प्रोपोगंडा में ना पड़े, टीचिंग्स में ध्यान दें, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड देन यू इट्स योर डिसीजन टू मेक व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। सो इफ यू गेट स्टक इन लाइफ समटाइम्स, दीज टीचिंग्स दे मेक द वे फॉर यू, दे हेल्प यू। एंड हमारे रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि अगर आप उसको देख रहे हैं, इट इज़ एज गुड एज रीडिंग द एक्चुअल बुक। मैंने एक्चुअल बुक नहीं पढ़ी है, बट जो मेरे आसपास वेल लर्नड लोग हैं उन्होंने यही बताया है कि बहुत अच्छी चीज़ें दर्शाई गई थी उसमें। एंड तो डेफिनेटली वो हमारी जनरेशन के लिए वो रिकॉल वैल्यू हमेशा रहेगी, जब भी जिक्र आएगा रामायण का या राम भगवान का या हनुमान जी का। सो यस, द जो चीज़ पर्दे में थी वो अभी रियलिटी में उतरने जा रही है। सो यू आर ऑल एक्साइटेड। राम आएंगे क्यों अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। आप हमारे शो सास बहू और बेटिया को अपने टीवी स्क्रीन्स पर तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ तो हम हाजिर हैं आपके लिए 24/7। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।